इंपोर्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट इंपोर्ट के लिए आपको ऐसी चूज करनी है जिन प्रोडक्ट्स का हमारे देश में या जिस देश में आप इंपोर्ट कर रहे हो उस देश में प्रोडक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, या तो अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है तो बहुत ही हैवी कॉस्ट पे हो रहा है, जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हैवी कॉस्ट पे हो रहा है। आप समझिए कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे देश में मैन्युफैक्चर तो होती है, अच्छी खासी होती है, पर फिर भी दूसरे देश से उसे इंपोर्ट करके यहाँ लाना और फिर यहाँ सेल करने में यहाँ लोकली उसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है उससे कई गुना कम दामों में काम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम इंपोर्टेड होते हैं। अब अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में दूसरी चीज ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए जो आपके बजट में सेट हो रही हो, क्योंकि इंपोर्ट में एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको 100% एडवांस देना पड़ेगा।